नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज। मैं हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं रांची स्टेशन के सामने ऑटो स्टैंड में, जहां पे भारी मात्रा में लोग परेशान हैं अपने सामान को लेकर, अपने जो भी वो आए हैं जहां से स्टेशन के सामने ट्रेन से उतरने के बाद उन्हें पता नहीं है कि यहां पे ऑटो चालक हो या ई रिक्शा चालक हो, वो हड़ताल पे चले गए हैं। हड़ताल में जाने की वजह से उन्हें बहुत समस्याएं फेस करनी पड़ रही है। हड़ताल के असल कारण बताएं तो रांची ट्रैफिक पुलिस और आरटीए सचिव ने राजधानी को 4 जोन में बांटकर ऑटो के लिए 17 और ई रिक्शा के लिए 113 रूट का निर्धारण किया है। ऑटो और ई रिक्शा चालकों ने इसका जमकर विरोध शुरू कर दिया है। बता दें 27 अगस्त से बेमियादी हड़ताल की घोषणा भी कर दी, जिससे कि राहगीरों को बहुत परेशानियां भी हो रही हैं। हालांकि आपातकाल में बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाने वाले ऑटो या ई रिक्शा इस हड़ताल से छूट रहे हैं। वहीं मालवाहक ऑटो भी इस हड़ताल से प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन फिर अब देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों को आने जाने में मुश्किलें हो रही है। जैसे मानो वो घर से निकलना नहीं चाहते, वो कहीं जाना नहीं चाहते, और जो कहीं निकल गए हैं उनको अपने घर तक पहुंचने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, ऑटो और ई रिक्शा के हड़ताल में जाने से लोगों का कहना है कि जो भी ओला उबर वाले हैं उनसे मुँह मांगे रकम मांग रहे हैं, जिनसे उन्हें बहुत समस्या हो रही है। ऑटो और ई रिक्शा की हड़ताल से लोगों को क्या समस्याएं हो रही हैं, आइए जानते हैं उनसे। हम आए हैं मांडव से। मांडव से कहाँ जा रहे हैं? जाना है हमको गुट्टी मोड़ जाना है, गाड़ी नहीं मिल रहा है। ऑटो ई रिक्शा जो मिल जाए उससे ट्रैवल करते हैं। तो आपको तो पता है कि अभी वो बेमियादी हड़ताल पे गई ऑटो रिक्शा, और अभी तो मैं निकली तो मुझे पता चला कि यार ऐसा ऐसा हो गया, कहीं पे ऑटो नहीं मिल रहा, इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही। मैं काफी दूर से ही पैदल चल के आ रही हूँ, तो हालत खराब है, फिर से पैदल चल के जाना है। पता नहीं था, अभी देखते हैं यहाँ पे हड़ताल है पूरी तरह से, बहुत परेशान है हम लोग। आप रेपिडो वाला बोल रहे हैं, अगर हम लोग को जगुआर जाना है तो रेपिडो वाला बोल रहा है कि लगभग 300 रुपया पड़ेगा एक आदमी के लिए। हम लोग 3 आदमी हैं, अब बताइए अभी 1000 रुपया लग जाएगा, पूरा परेशान है। तो अभी ऑटो तो मिल नहीं रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, और ओला उबेर वगैरह है, लेकिन ये लोग तो बहुत ज्यादा अलाप रेट मांग रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। पता नहीं था यहाँ पहुँचने के बाद अभी पता चला कि स्ट्राइक है ऑटो का, यही बहुत प्रॉब्लम हो रहा है पैसेंजर्स को। सावधान रहे, सतर्क रहे, घर से प्लान करके निकले। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, कैमरामैन रितेश के साथ मैं शुभमिता, देखते रहिए 99 न्यूज़।